हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल. आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर. गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 एपी से एग्जांपल नंबर 14. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स. तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं. पॉजिटिव नंबर वन से स्टार्ट, जहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पे सॉल्व करना है सम ऑफ 1000 पॉजिटिव इंटीजर. तो हमें यहाँ पे सीरीज हमारी क्या बनेगी, क्योंकि हमने मैंने अभी आपको काउंटिंग नंबर लिख रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4 वहाँ से लेके 1000 तक. तो यहाँ पे हम लिखते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स आर एपी हमारी बनेगी 1, 2, 3, 4, 5 अप टू कहाँ तक? 1000 तक, क्योंकि इसने कहा फर्स्ट. फर्स्ट मतलब हमें स्टार्ट से लेना है और कहाँ तक? 1000 तक लेना है. तो इस एपी का हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? सम. तो वी हैव टू फाइंड सम. हमें सम फाइंड करना है, तो हम सम वाला फॉर्मूला ले लें, वो हमारा हो गया. देखो, आप यहाँ पे दोनों फॉर्मूले ले सकते हो, एस एन इक्वल टू एन बाय टू 2a + n - 1 × d. ये फॉर्मूला भी ले सकते हो, एंड एस एन इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एल, ये फॉर्मूला भी ले सकते हो. तो जब भी आपको लास्ट टर्म गिवन हो तब आप यही फॉर्मूला ले लिया करो, ताकि कैलकुलेशन में कम हो जाए और इजीली क्वेश्चन को सॉल्व हो जाए. तो यहाँ डी भी हम ए पी हमें गिवन है, तो हम ए फाइंड कर सकते हैं. एन हमारा यहाँ 1000 है, क्योंकि हमें फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का है. एन 1000 है, ए हमारा 1 है, डी हमारा 2 - 1 1 हो जाएगा. तो सारी वैल्यू हमें इसमें भी पता है, और यहाँ भी एन हमारा 1000 हो गया, टोटल 1000 टर्म का सम है. ए हमारा 1 हो गया. एल हमारा यहाँ पे क्या होता है, इस ए पी की क्या होती है? लास्ट टर्म. तो आपको लास्ट टर्म गिवन है कितनी? 1000. तो इस तरह से हम दोनों फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर रही हूँ. तो हेयर एन इक्वल टू 1000, क्योंकि टोटल 1000 टर्म का सम चाहिए. ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ये एल है, और यहाँ पे ये 1 है जो हमारी फर्स्ट टर्म है, और एल लास्ट टर्म जो है वो हमारी कौन है? 1000. फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म एंड टोटल टर्म. तो एन यहाँ पे टोटल कितनी टर्म है? 1 से लेके 1000 तक 1000 टर्म ही होगी. तो नाउ एस एन की जगह हमने पुट किया 1000 इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, एन बाय टू. तो 1000 बाय टू, ए हमारा यहाँ 1 हो गया और एल हमारा यहाँ पे 1000 हो गया. तो नाउ उसको सॉल्व करते हैं. 2 के टेबल में 1000 कैंसिल हुआ 500 टाइम, तो इक्वल टू 500 और इनटू 1000 + 1 1001 हो गया. तो जब आप इसको मल्टीपल करोगे तो यहाँ देखो 2 0 हमारे एज इट इज आ गए. फिर 5 से मल्टीपल करो, 5 × 1 5, 5 × 0 0, 5 × 0 0, 5 × 1 5. तो इन सारी टर्म 1000 टर्म का जो स्टार्टिंग से 1 से लेके 1000 टर्म का सम हमारा यह आ जाएगा 5 00 5 00. ना हम इसका अब सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट, द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स. अब हमें यहाँ पे क्या कहा है, पहले आपको कहा था कि फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हमने 1 से लेके 1000 तक ले लिए. अब आपको कहा है कि फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि हमें यहाँ पे लास्ट टर्म जो गिवन है वो नंबर ना गिवन हो के एक वेरिएबल गिवन है. एन पॉजिटिव इंटीजर यानी 1, 2, 3, 4, 5 से लेके एन तक. अब जो लास्ट टर्म होगी वो हमारी कौन होगी? स्मॉल एन होगी. हमें उसकी वैल्यू नहीं गिवन है, वेरिएबल के फॉर्म में हमें यहाँ पे फाइंड करना है. तो यहाँ पे सीरीज हमारी हो जाएगी, सीरीज इज 1, 2, 3, 4, जो लास्ट टर्म है वो हमारी कौन हो जाएगी? स्मॉल एन हो जाएगी. हमें यहाँ पे 1000 गिवन था लास्ट टर्म, यहाँ हमें 1000 नहीं गिवन होके उसकी जगह क्या गिवन है? एन. तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हम लगा लें, क्योंकि लास्ट टर्म हमें पता है. तो हियर ए इक्वल टू 1 है, एन इक्वल टू हमारा यानी कि नंबर ऑफ टर्म, एन इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ टर्म, वो भी हमारी कितनी है? एन है. और जो लास्ट टर्म है वो भी हमारे यहाँ पे कितनी है? इक्वल टू एन है. जैसे यहाँ थी ना एन नंबर ऑफ टर्म, ये जो है नंबर ऑफ टर्म है वो भी 1000 है, और लास्ट टर्म भी हमारी 1000 है. तो यहाँ पे भी सेम, नंबर ऑफ टर्म भी एन है और लास्ट टर्म भी यहाँ पे एन है. अब फॉर्मूले में पुट कर लो, एस एन इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एल, ये फॉर्मूला. तो वैल्यू पुट किया एन बाय टू, ए की जगह हमने पुट किया 1, एल की जगह लास्ट टर्म हमारी कौन है यहाँ पे? एल इक्वल टू लास्ट टर्म इक्वल टू एन. तो बस ये सॉल्व हो गया, वेरिएबल के फॉर्म में हमारा आंसर आ गया एन इन टू 1 + n / 2 sn.
तो आपको यहाँ पे एक यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करते जाओगे, आपको आंसर देगा। अगर आपको टू टर्म का, जैसे यहाँ पे सिर्फ टू टर्म कितनी है, वन और टू, इन दोनों टर्म का सम चाहिए तो कितना आएगा, टू प्लस वन थ्री आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखो एन की वैल्यू वन रखेंगे तो वन, फिर वन प्लस वन हमारा टू हो गया, तो सॉरी एन की जगह हम यहाँ पे टू रखेंगे क्योंकि हमें टू टर्म का सम चाहिए ना, वन प्लस टू थ्री, तो टू रखो, टू टू प्लस वन थ्री, थ्री इंटू टू सिक्स, सिक्स डिवाइडेड बाई टू इज थ्री। तो इस तरह से ये हमारा वेरिएबल की फॉर्म में एक फॉर्मूला सा बन गया है, एस एन इक्वल टू एन एवं, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करने का हमारा ये फॉर्मूला बन गया, और इस पार्ट का सॉल्यूशन भी है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।